भारत में विगत कई महीनों से किसान बिल को लेकर किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन का कोई हल न निकले जाने के चलते इंदौर में कांग्रेस विधायकों द्वारा सांसद कार्यालय पर ट्रैक्टर से पहुंचकर किसान बिल को काला बिल बताते हुए विरोध प्रदर्शन जाहिर कर सांसद से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। देश में किसान बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश में फिर एक बार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी बिल को लेकर कांग्रेस के विधायकों द्वारा सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की गई और एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई कि जो किसानों की मांगे हैं उन्हें मानी जाए। प्राइवेट सेक्टर का मंडी के ऊपर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। MSP समर्थन मूल्य कानून में लिखा होना चाहिए, जो किसानों ने कहा है उन्हें मिलना ही चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर कांग्रेस द्वारा सांसद शंकर लालवानी से चर्चा की गई है। और जनप्रतिनिधि जिस भी जिले में हो, वो विधायक और सांसद का एक अपनी केमिस्ट्री होती है, अपना काम करने का एक तरीका होता है। पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ बैठे हैं। हम हमारे सांसद से आग्रह करने आए थे कि जो बातें किसानों की मांगे हैं वाजिब हैं, और उन मांगों को लेकर सांसद जी, आप सरकार के सांसद हो, तो आप नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करो कि किसान इस पूरे पेंडामिक में शांति से, उनने उदाहरण पेश किया देश भर में, तो उन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हमने एक एक कानून पे उनसे डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बात भी कही, हमने अपनी बात भी कही, पर सर्वविदित है, सबको पता है कि जब स्टॉक लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी तो कालाबाजारी का जो पार्ट होता है उसको बल मिलेगा। जब मंडियों पे एकाधिकार प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा तो किसानों का किसी भी रूप में नियंत्रण से बाहर मंडियां हो जाएगी, तो किसानों का हित होगा, हित नहीं हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि वो विरोध के लिए विरोध करने आए थे, कोई ठोस मुद्दे नहीं थे, और जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है प्रजातांत्रिक तरीके से, उस कानून के खिलाफ वो बोलने आए थे। और जो किसानों की बात करते हैं, वर्षों तक उनकी सरकार रही, सबसे ज़्यादा राज उन्होंने ही किया है देश में, और उसके बाद भी किसानों की ये हालत क्यों, ये उनसे पूछना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो पिछले कई वर्षों से किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, और उसी के ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष ये 3 कानून जो किसानों के हित में है। और ये हमने, ये तो जो आयोग उन्होंने गठित किया था उनके समय, उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये कानून बने हैं, जबकि ये उनको ही लागू करना था, उनके समय का आयोग है, उन्होंने ही रिपोर्ट दी थी। और मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान के हित में जो कानून हुए हैं, अब किसान, पहले ये कंपलसरी था कि अपनी उपज को वो मंडी में बेचता था, लेकिन अब उसको सभी ऑप्शन खुले हैं, वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, वो चाहे तो बाहर बेच सकता है। पहले मंडी में उसका था कि मंडी में बेचना है, अब तो इस शहर में बेच सकता है, दूसरे शहर में बेच सकता है, दूसरे राज्य में बेच सकता है, और यहाँ तक कि दूसरे देश में बेच सकता है।